आम चुनाव को नजदीक आता देख बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नेता मुद्दों के आधार पर जनता की लड़ाई में कूद पड़े हैं, जिसको लेकर अब गन्ना किसानों पर राजनीति गर्मा चुकी है। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही अब एक दूसरे को गन्ना किसानों का हितैषी बता रहे हैं। लंबे समय से गन्ना किसान अपने बकाया भुगतान को लेकर आंदोलन करते आ रहे हैं। उनका कहना है कि भुगतान न होने से उन्हें गन्ना घाटे का सौदा साबित हो रहा है, जबकि सरकार का कहना है कि वो गन्ना किसानों के लिए सराहनीय कदम उठा रही है। गन्ना विकास मंत्री प्रकाश पंत ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार के मुखिया हरीश रावत पर कटाक्ष किया और कहा कि गन्ना किसानों की बदहाली का कारण पूर्व सीएम खुद हैं। मापदंड तो माननीय हरीश रावत जी, जो न खाता न बही, जो वो कहें वही सही, ऐसा कहा जाता था, ऐसा वो कहते थे स्वयं। और उन्होंने 52 करोड़ रुपया कर्ज दिलाया था हमारी शुगर फैक्ट्रियों को, और 52 करोड़ रुपया यदि उन्होंने अनुदान दे दिया होता, हमने 350 करोड़ रुपया अनुदान दिया है। उन्होंने 52 करोड़ बैंक से कर्ज दिला दिया था, और उसके कारण 2 करोड़ रुपया हमारे इंटरेस्ट इंडस्ट्री पे जा रहा है, और इन फैक्ट्रियों को उन्होंने मदद करने के बजाय उनको उनकी कमर तोड़ने का काम किया है। उनकी गलत नीतियों का ही परिणाम है जो आज हम ये किसानों की स्थिति हो रही है। हम प्रयास कर रहे हैं किसानों को बेहतर तरीके से उनका प्रबंधन के माध्यम से किसानों की स्थिति को सुधार। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पलटवार करते हुए कहा कि बतौर मुख्यमंत्री अपने कार्यकाल में उन्होंने गन्ना किसानों का समय पर भुगतान किया। मैंने हर साल का हर साल पेमेंट किया। मेरे कार्यकाल में कभी गन्ना चीनी मिल पर गया और रिजेक्ट नहीं हुआ। मैंने खरीद मूल्य घोषित किए और जितने तौल केंद्र हो सकते थे अधिकतम, जहां जहां मांग थी तौल केंद्र खोले। जबकि वर्तमान सरकार 1.5 साल से गन्ना किसानों का भुगतान नहीं कर पा रही है। देश भर में 22,000 करोड़ रुपया और उत्तराखंड में भी इसमें अकेले हरिद्वार का करीब 300 करोड़ रुपया गन्ना किसानों का बाकी है। इसलिए मैंने तय किया है कि अभी तो यात्रा ही निकाली है, कल ज्ञापन ही दिया है, और यदि ये नहीं देते भुगतान करेंगे तो विधानसभा के सामने मैं उपवास भी करूंगा। 2019 चुनावी साल है, ऐसे में किसानों को लेकर राजनीति अपने चरम पर है। अब देखना ये होगा कि इन तमाम राजनीतिक उठापटक के बीच क्या सरकारें इन किसानों की समस्या का कोई स्थायी समाधान ढूंढ पाती है। देहरादून से पंजाब केसरी के लिए कुलदीप रावत।